लोग कह रहे हैं मैं तुम्हारे जैसा हो गया। अच्छा सोचो तुम मेरी जैसी हो गई तो? ये कभी नहीं हो सकता, मैं इतनी अच्छी नहीं हो सकती। क्यों नहीं मान लेती कि हम एक दूसरे के लिए बने? सब सुने अजीब खालीपन महसूस हो रहा है। शायद ये काम खत्म हो रहा है, या शायद इसलिए कि तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। हाँ लेकिन एक बात जानता, बहुत अच्छी लगती हो। छोटा मोटा ही सही काम तो था। अब तो थिएटर वाले कहते हैं जावेद बड़ा आदमी बन गया, नखरे दिखाएगा। जो काम मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तुम एक बार फिल्म तो आने दो सकीना, फिर देखना सब कैसे पीछे आते हैं। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूं गांव वापस चलते हैं, आप क्यों नहीं मान लेते मेरी बात? अम्मा भी कब से बुला रही हैं। ऐसे कैसे चला जाऊं? कैसे फिल्म के आने से पहले चला जाऊं? उसको बड़े पर्दे पे कैसे देखूंगा, तुम कैसे देखो, बच्चे कैसे देखेंगे? जावेद एक बार स्टेज वालों से जाके बात तो करे, कुछ रकम ही हाथ में आ जाएगी। अल्लाह बहुत बड़ा है सकीना, हो जाएगा अभी कुछ दिन और गुजारना। रोहिल साहब बड़े अच्छे इंसान, जरा सा भी इंतजार नहीं करवाया, दे दिया जो बनता था। तुम याद है याकूब? भालू बनता था। सब कहते थे कि बहुत अच्छा भालू बनता है, बहुत अच्छा करता, मगर जानते सब उसे भालू के नाम से थे।
याकूब का तो किसी को पता भी नहीं था। बहुत सालों बाद किसी ने बहुत इज्जत दी है सकीना, बहुत इज्जत। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। ओ रोहेल, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू हियर। गुड टू सी यू। मैं देखा था कि भाई फिल्म बन गई। आई सॉ द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। वेल डन। थैंक यू। दैट्स इट। अगर कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। पता है हमारा पोस्ट का काम सारा बाहर होता है, सो मे बी फिल्म तुम्हारी कुछ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। जानता हूँ आपका सारा काम बाहर से होता है, पर इस मुल्क में बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, तो आई एम ऑल सॉर्टेड। बट थैंक्स, थैंक्स फॉर द हेल्प। फाइन, यू थिंक दैट हर चीज फ्लो में जा रही है, सो तुम्हारा विजन है। वैसे न्यूकमर्स को काफी रुकावटें फेस करना पड़ती हैं यहाँ पर। हाँ, और अगर रुकावटें हो ना तो रुकावटें डाली जाती हैं। रही बात पोस्ट की, तो पोस्ट तो नहीं, लेकिन अगर कुछ लिखवाना हुआ तो जरूर रब्ता करूँगा। अच्छे ब्लॉग्स लिखवाते हैं आप। I don't know what you're talking about. I'm sure you don't. रोहित, मैं तुम्हें एक बात कहूं। ये जो तुम अकड़ लेके चल रहे हो ना, ये ज्यादा अरसे चलनी नहीं है। अकड़ का तो पता नहीं, असूलों पर जरूर चल, वरना चल तो आप जैसे लोग भी रहे सर। और एक बात और सर, अब तो हम आ गए हैं और यहीं रहेंगे। कॉफी भिजवाऊं आपके लिए? गुड लक। सब बकवास है रोहेल, इजी हो जा, क्या हो गया है? गुस्सा किसी और में निकाल लो। गुस्सा नहीं है, रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन है कि मेरे पास अब टाइम भी नहीं है इन बातों के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें कासिम से नहीं मिलवाना चाहिए था, ना ही तुम कासिम से मिलते हैं और ना कासिम तुम्हें बख्तियार से मिलवाता। तू जानता है ये तेरी जिंदगी का सबसे अच्छा काम था, मुझे उससे मिलो। जानता है क्यों? क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यहाँ काम करना कितना मुश्किल है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी यहाँ आएगा तो ये लोग उसे थ्रेट समझेंगे, क्योंकि वो काम करना चाहता है। इसलिए थैंक यू। क्या कर रहा? कुछ नहीं है, पोस्टर्स के ड्राफ्ट है, टीजर से पहले फाइनल कर लूं मैंने सोचा। दिखा। वो देर सर। अच्छा, वैसे लाइब्रो को बीच में नहीं आना चाहिए था? उसी जैसे आपके मुताबिक उसे लीड होना चाहिए था। यार उसकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, इसलिए बोला। तो ये देखने के लिए जिद करता है ना कि मैं जिद करता हूं कि नहीं? कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला लाइक। हेलो वीडियो अलीश, कैन यू डू मी अ फेवर? यार जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि काम तो अब शुरू होगा, प्रमोशंस का टाइम आ गया है, और नॉर्मली ये काम फिल्म के लीड्स करते हैं, जैसे सलमान हैं, सुनहरी हैं, लाइबा हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब जाएं,
आप सब जाएं प्रमोशन से मेरे साथ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बिजी है तो मुझे बता सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप आएंगे तो बहुत खुशी होगी। सलमान सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी नाइस। सुनहरी सबके साथ। ड्राइवर एक्चुअली वो मैंने अपना मेकअप ब्लॉग शुरू किया है तो काफी टाइम उसमें निकल जाता है, बट आई विल मैनेज। उस्ताद आपने कुछ नहीं बोला। मैं भी रहूंगा। नहीं, राइटर और डायरेक्टर के बगैर तो कहानी अधूरी, तो प्रमोशन भी अधूरे हो। और वैसे भी अभी आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है। वो क्या? फिल्म का नाम। फिल्म का नाम तो अभी तक डिसाइड नहीं किया। एनी सजेशंस? क्योंकि हम सब फैमिली है। उड़ान। उड़ान तमन्ना सर। ख्वाहिशें। वेरी नाइस। नॉट ख्वाहिशें। सुनहरी सारे काम। ये सबसे अच्छा मिस्टर रूहिंग, आपकी फिल्म में कोई जाने माने स्टार्स क्यों नहीं है? ये फिल्म इसीलिए बनाई गई थी कि आप लोग नए जाने माने चेहरों से मिले। ये फिल्म रिलीज कब हो रही है? जी प्रमोशन स्टार्ट हो गई है, ट्रेलर के साथ रिलीज डेट भी आ जाएगी। आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या आप और फिल्म्स करेंगी? पता नहीं जी, देखें ये तो वजह पहले रिलीज, फिर आप लोग को इंशाल्लाह अगर अच्छी लगी तो क्यों नहीं। लाइबा, क्या आपका मॉडलिंग और सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है? नहीं जी, मैं अब सिर्फ फिल्म्स करूंगी। सलमान सर, आईटी सेटिंग तक का सफर आपका कैसा रहा? बहुत खूबसूरत। ये सारा कमाल हमारे डायरेक्टर साहब का है। अरे भाई, वो कहानी क्या जिसमें जज्बात ना हो? बस समझ लीजिए कि रॉयल साहब का बनाया हुआ खाका था जिसमें हमने रंग भर दिए। देखिए हो गया बाबा, बहुत थका हुआ हूँ। आज कोई ड्रामा वगैरह नहीं करना। अच्छा, तुम ऐसा आ रही है बच्चों के साथ? मैं बता रही हूँ आप लोगों को, वहाँ एक छुट्टी मिली है मुझे, उसमें भी मेहमान आएंगे तो रेस्ट कब करूँगा मैं? जब मैं दुकान निकल रहा हूँ, मेहमान आ रहे थे। चाय तो पी ले, चले जाइएगा दुकान पे। देर हो जाएगी मुझे। पी ले ना, मेरे ख्याल में रूम ऐसा आई है। जाओ देख कर। मैं तो नहीं जा रही। मैं ही जाता हूँ। अरे कम चीना पिया। आओ आओ आओ, प्लीज आओ।
बैठो बेटे। तू जा, जाके लेट जा। हाँ पी आए सुने तू जाना, तेरी तबीयत खराब। हाँ आराम कर जाके। हम है लो बेटा चाय पियो। तुम आराम सुन कम्फर्ट। और बेटा कैसी हो? ठीक है। हाँ जी अल्लाह के शुक्र है। कैसे आना हुआ? जारा से मिलने आई थी मैं। वो ठीक हो? थैंक यू सो मच। साफ बात है, ड्रामा इज द फ्यूचर। वी कैन डू वंडर्स टुगेदर। थोड़ा टाइम इसको भी दें। राज साहब, आई डू ड्रीम्स नॉट ड्रामास। अब साथ काम कर ही रहे हैं तो कुछ बड़ा सोचते हैं। बख्तियार साहब जरा नीचे भी देखिए, बहुत ऊंचाई पे हैं अब। आपके लिए ये भी ट्राई कर लेंगे। ये जो हम आपके लिए लॉन्च कैंपेन कर रहे हैं ना, इसका फीडबैक और अपने किसी भी पिछले प्रोजेक्ट का फीडबैक कंपेयर करके देख लीजिएगा। अभी पिछले दिनों ही एक लड़का आया, बड़ा जुनून था उसे फिल्म बनाने। अब स्टार्ट। संभाल के, आजकल के लड़के बहुत जिद्दी हैं। मिलाऊं मैं उससे? रोहिल शाहिद राइट? हाँ मेरे ख्याल से शायद यही नाम था उसका। दिस मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लड़के बाहर से पढ़ के आ जाते हैं और पता नहीं समझते हैं कि कैसे हमारे बाप बन जाएंगे। कुछ नहीं होना ऐसे लड़कों का। कहीं आप यंग कॉम्पिटिशन से घबरा तो नहीं रहे? नो नो नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल। मैं क्यों घबराऊंगा? आप देख लीजिएगा द थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, जो मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। लेट्स सी। अली सर, क्या डे 6 के बाद का शूट किस टाइम कंपाइल करवाया है? सारा सीक्वेंस आगे पीछे है। सर वो एक्चुअली मैंने करवाया, लेकिन आज ही हम एडिटर के साथ बैठ जाते हैं और सारे मसले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। प्लीज़ जल्दी कर दें, मुझे कहीं जाना ना होता तो मैं खुद करवा लेता। सर कोई काम हो तो मुझे बता दें, मैं कर देता हूँ। तुम जाओ एडिटर से बात करो, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना, और प्लीज़ जल्दी करवाए इसे क्लियर। ठीक है सर। आओ तो ईशा, आगे पता नहीं कितनी बार मिलना है, साथ काम करना है, क्या हम नॉर्मल एक्ट कर सकते हैं? आई एम सॉरी। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, तुम कह चुके हो। पर तुमने एक्सेप्ट कहाँ किया? मैं अभी की बात कर रही हूँ, जो अभी हुआ वो सॉरी ही था। चले मान लें आपकी मार्केटिंग टीम बेस्ट है, मान लें पूरे शहर में आपकी चर्चाओं पर फायदा, ना को बड़ा नाम है ना को यूनिक सेलिंग पॉइंट है। स्पेशलिटी क्या आपकी फिल्म?
लोग क्यों देखेंगे आपकी फिल्म? सर, बड़ी से बड़ी फिल्म में स्टार्स होते हैं, कहानी नहीं। और स्टार्स भी वो जो लोग देखना नहीं चाहते। मे बी नॉट सर, नए लोगों को आगे आने थे, ऐसे बात नहीं बनेगी। आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं आप। और मेरे पास सिर्फ आइडियल्स है, ख्वाब है। आप एक बार बेच के तो देखें। देखिए, मेरी माँ ने इसको OTT पर चला दें, शायद वहाँ पे कुछ बिजनेस कर जाए। सर, OTT हर आम आदमी के पास नहीं है, और ये फिल्म मैंने आम आदमी के लिए बनाई है, तो पॉइंट नहीं है इसको OTT पे डालने का। फाइन, मुझे अपनी डील से कर, सर हो जाएगी एग्जिबिट। एक बात मैं आप दोनों को बता दूं, मुझे सिर्फ नुकसान नजर आ रहा है, एंड आई डू नॉट लाइक लॉसेस। समझता हूँ, लेकिन शायद दूसरों का फायदा हो जाए। फायदे नुकसान के लिए मैं भी यहीं बैठा हूं, लीगल पर बात कर लें, बाद में रोना धोना होता है। मुझे कोई इशू तो नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट भी अच्छा लग रहा है। पैसे भी बहुत अच्छे हैं। आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट? हर जगह फिरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ रहिए। ये तो एक प्रोजेक्ट है, अभी तो बहुत कुछ होना है। मुझे कुछ वक्त देंगी सोचने का? जितना सोचेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, हर किसी को ऐसा चांस नहीं मिलता। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी मानिए तो साइन कर दीजिए। कैसी रही मीटिंग? यार बात तो बन गई है, लेकिन अजीब लोग हैं यहाँ, हैरान करते थे मुझे हर बार। छोड़ो, तुम अपनी सुनो। रोहेल, एक एडवाइस चाहिए थी आपसे, आपके अलावा कोई अच्छी एडवाइस दे भी नहीं सकता। वो क्या बना तुम्हारे मॉडलिंग असाइनमेंट का? उसी की बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे पैसे दे रहे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का कह रहे हैं। सामान कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ना, लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट, 5 साल? इस बात का मतलब समझते हो तुम कि 5 साल तुम किसी और के साथ काम नहीं कर पाओगे? सलमान, मेरा तुम्हें दोस्ताना मशवरा है, प्रोफेशनल मशवरा नहीं है, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना। फिल्म आने दो, फिल्म रिलीज हो जाए, उसके बाद देखता तुम्हें सब लोग अप्रोच करेंगे। और मैं नहीं चाहता था अब तुम पछताओ ये सोच के कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। हाँ, अगर कोई मसला है, कोई ज़रूरत है, तो तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम बुरा ना मानो। ऑप्शंस तो हैं एक दो, और तो चंद वो ऑप्शंस ट्राई करो, बट ये कॉन्ट्रैक्ट मत करो। तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है सलमान, तुम उससे लोन ले सकते हो, और मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे वापस पे कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि किसी मजबूरी में आकर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। नहीं, वो बात नहीं है। थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं है, तुमने मुझे इस मशवरे के काबिल समझा, काफ़ी है। हेलो। नहीं, व्हाट, आप एक बार पूछ तो लेते मुझसे। ठीक है, थैंक यू। सब खैरियत है? हाँ, प्रमोशंस के लिए TV पे जाना है। मॉर्निंग शो? मॉर्निंग शो। ओह, आई सी। वेलकम बैक, मैं हूं आपकी होस्ट फिदा नासिर, और आप देख रहे हैं झिलमिलाती सुबह में झिलमिल सुबह, और हमारे साथ है एक फिल्म की कास्ट। फिल्म का नाम है ख्वाब, और जानते हैं डायरेक्टर साहब से कि ये ख्वाब कौन से ख्वाब है? क्या ये वो ख्वाब है जिनके पीछे हम भागते हैं? क्या ये वो ख्वाब है जो हमें दिखाए जाते हैं, या फिर ये वो ख्वाब है जो कभी पूरे नहीं होते? जी डायरेक्टर साहब। आप गलत समझ रही हैं, डायरेक्टर मैं नहीं, वो हैं। अच्छा,
प्यारी सी धान पान सी एक लड़की, अरे वाह जबरदस्त, नाउ टू नो लड़की डायरेक्टर, वाह कांग्रेचुलेशंस। बताइए इस फिल्म के पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? डायरेक्टर ये हूं। कोई बात नहीं डायरेक्टर साहब, ये बताइए इस फिल्म आपके पीछे कितना पैसा लगा है? पैसा हमने फंड्स इकट्ठे किए तो फाइनल फिगर तो अभी नहीं पता। चलिए हमारे फ्रूट चाट में प्याज डल चुके हैं। प्याज नहीं। कोई बात नहीं, दोनों पिंक थी इसलिए जरा कंफ्यूजन हो गई। चलिए सर के जानते हैं आपसे, आपका क्या नाम है? अमजद जी। अरे वाह, और आपका? जावेद। हमारे साथ है साकिब और निसार, दोनों ने क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, डांसर्स हैं दोनों, है ना? डायरेक्टर साहब ये बताइए आपकी इस फिल्म के दौरान चक्कर तो खूब चले होंगे ना चमेली के साथ? चाट रेडी है जी। चाट रेडी है, चाट को गोली मारो और फिर इसके बारे में पूछ रहे थे ना। सुनहरी नाम की, सुनहरी बाल, सुनहरी चेहरा, सुनहरी लड़की, कितने चक्कर चलाए तुमने बताओ? एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोहेल, आपका नाम सोहेल है ना? कितनी खूबसूरत। सलमान। सलमान सोहेल की बात है, ये बताइए आप क्या कर रहे हैं? ये बताइए डायरेक्टर साहब, आपके और इस चमेली के कितने चक्कर चले? मैं नासिर और आप देख रहे हैं जलमिल लाते सुबह पे, जलमिल सुबह, और हमारे साथ हैं एक फिल्म की कास्ट। फिल्म का नाम है ख्वाब और जानते हैं डायरेक्टर? थोड़ा और जोर से दबाओ। कितना जोर से दबाओ? तुम कोई गोली घी में खा लेते हो दर्द की? हाँ, ये वो ख्वाब है जो कभी पूरे नहीं होते। अरे को इतना ज्यादा कैसे बोल सकता है, ये औरत क्यों बोलती है? लड़की तो बहुत क्यूट है भाई। क्यों बे पागल हैं ये, इसी की वजह से तो सर दर्द है मेरा। अरे भाई बोलना उनका काम है। डायरेक्टर साहब ये बताइए इस फिल्म आपके पीछे सुबह भी जल्दी उठना पड़े। क्यों? एक और मॉर्निंग शो है। अच्छा, फिर तो मैं वो भी देखूंगी और रिपीट में भी देखूंगी। भाई आपने शो एंजॉय नहीं किया क्या? तुम कर रही हो बात आते हैं, एंटरटेनिंग है। बड़े गौर से देख रहे हो आप। डायरेक्टर साहब से पूछना चाहेंगे। अरे इसने कपड़े कितने अच्छे पहने हैं ना? यार इसकी आवाज यहाँ इस तरह तो बोई। करो ना, तुम दबा रही हो ना तुम्हें। मारो सुमो, इसी के पास था रहा। देखा तुमने क्या थी? गांव वापस चलो, अगर वापस जाते तो आता यहाँ टीवी पे। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके ये रोहेल सब कितने छोटे लग रहे हैं, मुझे तो लगा था बड़ा कोई खड़ूस होगा। अच्छा बस, खबरदार जो इनके बारे में कुछ कहा था, भाई बहुत अच्छे इंसान है वो। अच्छा, अब उनके लिए मुझसे लड़ोगे? तुमसे नहीं, सबसे लड़ूंगा। नाश्ता नहीं लेकर आए ना तुम अभी तक? भूल गया मैं, बस अभी ले आता हूँ। हर चीज भूल जाते हो। अच्छा कहा ना ले आ तुम यार, अभी बस ले जाता हूँ। दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी जाओ। अच्छा बस ये खा लूं। जाओ ना। अच्छा बताओ भाई तुम कुछ खाओगे आज? तुम तो खाओगे ना, बताओ। हाँ चलो मैं ले गया, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं, पहले तुम खाना खत्म करोगे फिर आइसक्रीम। हाँ बस आ रहा हूँ। चलो चमेली के थोड़ा आगे से प्ले। एक मिनट। हेलो जी अमजद। हेलो जी, वो जावेद सर। जी क्या हुआ जावेद? जावेद का एक्सीडेंट हो गया। वो क्या, कैसे? वो मर गया।
रात को तो बहुत खुश थे। कहा था जुबेद अपना ख्याल किया कर। मैं भी साथ चलती हूँ। अब मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? नए कपड़े सिलवाए थे उसने। कल लेने जाने। यकीन नहीं यार, लगता है अभी कहीं से आ जाएंगे नाश्ते। हमारी पहली मुलाकात याद है नोडिल से? मैंने आपसे कहा था यहाँ आधे जूनियर आर्टिस्ट ऑफ जिंदगी गुजर रखी। जब तक मौका मिलता सब पता मौजूद। लेकिन खुशकिस्मत था वो, चाहे दूरी ही सही अपने हिस्से की खुशी मिल गई उसे आपकी वजह से। नहीं सो डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल आई थी, फिल्म के रिलीज डेट का पूछ रहा। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।